मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बताया देखिए, कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अभाट पर एक समाज सेविका या फिर बीजेपी की जो है महिला नेता कह लें रीता रशीद, इन्होंने 354 का मामला मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। और इस मामले के बाद जो है रीता रशीद पर FIR एट्रोसिटी के तहत की गई थी। उसके बाद से ही रीता रशीद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज और NCP के कार्यकर्ता, ये जो है मिले जुले लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर बैठकर अमरण उपोषण कर रहे हैं। और आज अमरण उपोषण का 13वां दिन है, लेकिन अभी तक रीता रशीद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इस अमरण उपोषण को ख़त्म करने के लिए जो है मुमरा शहर के जो तमाम उलमा इकराम आज कलवा मुमरा के जो विधानसभा कार्यालय है यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड से इन तमाम उलमा इकराम ने मीटिंग की। और इस मीटिंग के दौरान जितेंद्र अवार्ड ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से उन पर 354 का जो FIR दर्ज कराया गया है, ये FIR जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस FIR के ज़रिए जो है उनको जो चोट पहुंची है वो इसे कभी भूल नहीं सकते। उनका साफ तौर पर कहना है कि और कोई भी मामला रहता तो वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये ऐसा FIR जो दर्ज कराया गया है, और ये इनका ये भी कहना है कि षड्यंत्र के तहत ये दर्ज कराया गया है। और ये जो है मामले को लेकर जो है आज पूरा यहाँ पर जो उलमा इकराम थे उनके साथ जो यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में दरअसल ये फैसला लिया गया है कि जो अमरण उपोषण 13वां दिन है आज, तो कल जो है ACP साहब वहाँ पर आएंगे और उस अमरण उपोषण को जो है ख़त्म कराया जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी लगातार कह रही है कि जो कानूनी कार्रवाई है, प्रोसेस है, उसके तहत जो है करके उसके बाद ही रीता रशीद की गिरफ्तारी होगी। इसलिए तमाम उलमा इकराम ने जो मीटिंग की और ये फैसला लिया गया कि कल दोपहर में 12 बजे के आसपास उलमा इकराम मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर लेटर देने के बाद उसके बाद ACP से मुलाकात करके फिर जो है जो अमरण उपोषण है चल रहा है वहाँ पर, उसे जो है 12 बजे के आसपास में जिसे ख़त्म कराया जाएगा। और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलवा मुमरा की विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मुझसे कहा कि तुम मायूस मत होना, पूरे देश में मुसलमान तबका चिंतित है आपकी मायूसी देख के, लोगों को अपने आप से बुरा लग रहा है कि ये मुमरा में हुआ तो क्यों। उनका ये भी बोलना था कि शहर का माहौल दिन पर दिन खराब होते जा रहा है और ये माहौल खराब नहीं होना चाहिए। 14 साल हो गए, 13 साल हो गए मैं यहाँ आमदार बन के, मैंने 1 घंटे के लिए भी यहाँ माहौल ख़राब नहीं होने दिया। जब भी आया तो माहौल गर्म था तो उस पर पानी डाल के उसको ठंडा कर दिया। ये ज़रूर साजिश है मुमरा का माहौल ख़राब करने का। मुमरा में वो बसे हुए है जिन्होंने 93 में अपना घर जलते हुए दिखाया, वो खौफ आज भी उनके दिल में है और वो खौफ मेरे भी दिल में। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पूजा को लेके वातावरण खराब हुआ, जो पूजा मुमरा में होती नहीं थी वो पूजा को लेके माहौल खराब करने की कोशिश हुई। जो तालाब का काम एक आमदार ने किया था उसके ऊपर सियासत हुई। मैंने जिंदगी में आज तक मुमरा में आप काम देखो, एक भी काम पे मेरा नाम नहीं है जितेंद्र अवार्ड के, मैं नहीं लिखता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी काम होता है लोगों को मालूम है जितेंद्र अवार्ड का। पर ये जो गंदगी फैलाई गई उससे जो शहर का नुकसान हो रहा है, शहर का जो माहौल खराब हो रहा है, दलित के मन में शोक शक, सलमान के मन में शक कि मुसलमानों को मुमरा में बदनाम करने के लिए आवार साहब के ऊपर हमला किया गया कि ताकि लोगों को ये लेने लगे कि देखो आवार को भी नहीं छोड़े। मैं सब साजिश जानता, और इसलिए उन्होंने उलमाओं ने कहा कि थोड़ा सा ये जो अनशन चालू है, जो आंदोलन चालू है, और उसको
रुकवाने की आवश्यकता है। जब अलीम ने ही कहा है, क्योंकि ये हमारा तो इससे कोई संबंध ही नहीं था, ये तो दलितों का ये था, पहले ही दिन केस रजिस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने नहीं की। मेरे खिलाफ केस रजिस्टर करने में मुमरा पुलिस स्टेशन को 5 मिनट भी नहीं लगा, हालांकि वीडियो था हाथ में। ठीक है, अभी सियासत में ये सब ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन मेरे दिल से मरने तक ये 354 का गुनाह कभी भी जा नहीं सकता, कभी भी वो जख्म मिट नहीं सकता। ठीक है, अभी मुमरा के लिए अपनी जान हाजिर है। कल मौलाना ने और सुनीम भाई ने ACP से बात की है, ACP ने कुछ उनको बोला है, कल वो सब करके 12 बजे वंशन मौलाना ख़त्म करेंगे, ऐसी बात नहीं है, 12 बजे तक का इंतज़ार।